मैं आचार्य राजेंद्र। आज हम बात करेंगे वास्तु के ऊपर कि हमें वास्तु क्यों करवाना चाहिए, वास्तु की उपयोगिता क्या है, क्या वास्तु से कुछ रिजल्ट आता भी है या बस ऐसे ही सब कहते हैं कि वास्तु शुभ होता है। तो हम बात करते हैं वास्तु के ऊपर। वास्तु में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उसके एलिमेंट्स, पंच तत्वों से ही बना हुआ सब कुछ, तो हमें सबसे पहले उसके एलिमेंट्स चेक करने होते हैं। जब पांचों तत्व उसके जब बैलेंस होते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं उसकी आठ जो दिशाएं हैं, सेंटर चेक करते हैं। उसके बाद बात होती है कि कहीं पे कोई पोर्शन, कहीं पे कोई जोन, कोई कटा तो नहीं हुआ, कहीं पे कोई एक्सटेंशन तो नहीं है, किसी भी जोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उस जोन का जो एलिमेंट है उसके अगेंस्ट कोई और एलिमेंट तो नहीं है उस प्लेस के ऊपर। जैसे सपोज साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है, अगर वहां पे हमारा वाटर एलिमेंट आ जाता है तो क्या होता है कि वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वास्तु दोष का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही और भी चीजें हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट हमारा जो ढलान है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए घर की, और सबसे ज्यादा हाइट साउथ वेस्ट की तरफ होनी चाहिए। हमारा साउथ वेस्ट जितना ज्यादा हैवी होगा उतना ही हमको जो भी हम अर्न करते हैं वो हम उसको बढ़ाते जाएंगे। हमारे पास जो भी चीज है अगर हम उसको साउथ वेस्ट में रखते हैं अपने खजाने को, और उसकी जो अलमारी है उसको जो खोलने का जो डोर है वो अगर नॉर्थ ईस्ट में होता है तो सबसे बढ़िया कहा जाता है कि वहां पर उस धन की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी का आगमन बना रहता है और लक्ष्मी का ठहराव होता है उस घर के अंदर। इसी तरह से जैसे साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में हमारा किचन होना बहुत अच्छा है, बहुत शुभ माना जाता है। नॉर्थ वेस्ट में हम टॉयलेट बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का स्थान जो है वो हमारा पूजा का स्थान है, हमारा मेडिटेशन का स्थान है, हमारी हम जो भी विजन करते हैं, जो भी चीज, जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो बेसिकली अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट अगर अच्छा होगा तभी हमारे जो डिसीजन होंगे ज्यादा अच्छे रहेंगे। हमारा विजन तभी हमारा विजन ब्रॉड होगा जब हमारा नॉर्थ ईस्ट अच्छा होगा। नॉर्थ ईस्ट के जो देवता है वो है बृहस्पति। जब भी बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि उसका जो हम हमारा जो वास्तु का जो है जो सेंटर है वो कैसा है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जो है वो हमको सेंटर से ही मिलती है, सेंटर से ही सारी दिशाओं में जाती है। उसके बाद हम एक्सिस को देखते हैं, हमारे जो एक्सिस है नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा वास्तु पुरुष का सिर है और साउथ वेस्ट जो है उसके पैर है। तो हमें सबसे हमें हर चीज को देखना पड़ता है कि हमारा जो खाली पोर्शन है हमें कहाँ पे, हमारे जो गेस्ट आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, हमारा जो जो लैंडलॉर्ड है उसका जो बेड है किधर होना चाहिए, कौन से रूम में होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं, और स्टडी हमें किस फेसिंग में करनी चाहिए, बच्चों का रूम कहाँ होना चाहिए, तो हमें फ्रेंड्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जब भी किसी घर, कोई घर, नया घर लें तो वास्तु शास्त्री से आप जांच करवाएं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके वास्तु से रिलेटेड तो जरूर सलाह लें। धन्यवाद।